Hey, hello, what is up guys? Welcome back to another video. So this is another episode of this Lucknow series. Hope करता हूँ आपने last काफ़ी सारे episode देखे होंगे, आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे. ये वाली video भी काफ़ी अच्छी लगने वाली है. We are at the Cockerels picnic spot in Lucknow. पूरी video देखना, काफ़ी कुछ interesting होने वाला है इस vlog में. सो वी आर गोइंग टू द प्लेस. यहाँ से जो है मैं आपको अगर बताऊँ, अगर आपको पहुँचना है तो पिन पॉइंट्स मैं दे देता हूँ. अगर आप मड़ियाँव चौराहे पे हो लखनऊ में, सो आपको मड़ियाँव से खुर्रम नगर चौराहे के लिए उतरना पड़ेगा. वहाँ से आपको जो है कोई भी आप ई रिक्शा वाला ले सकते हो, 10 रुपये समथिंग लेगा पूरे अंदर मेन स्पॉट तक पहुँचाने के लिए, जो कि एक गेट है. अगर आप जो बीच में एक और पिन पॉइंट बनता है वहाँ रोको तो 5 रुपये लगते हैं आपके लिए उसको, पर आपको फिर पैदल पैदल जाना पड़ेगा हमारी तरह. सो दिस इज़ अराउंड 1.1 किलोमीटर और 1.2 किलोमीटर अगर आप वहाँ उतर जाते जहाँ मैं बता रहा था लास्ट सेकंड जो है स्पॉट पे, सेकंड पिन पॉइंट पे. तो हम सीधा अब चल रहे हैं, काफ़ी लंबा रास्ता है 1 किलोमीटर, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा बेईमान है बिकॉज बारिश भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी धूप भी हो रही है, पर हाँ इट्स गुड फॉर द व्लॉगिंग. सो आप ना आया, सो या सीधा वहीं चलते हैं. सो माय बॉयज़ आर विद मी, अश्विनी, सद्दाम, अनुराग, पुनीत और अश्विनी पार्ट टू. एक्चुअली अश्विनी भारती. सो या यहाँ पे जो है हम पहुँच चुके हैं, दिस इज़ द स्पॉट जहाँ से हमें इस तरफ राइट साइड में जाना है, और जो कि यहाँ से अराउंड 400 मीटर और है इस जगह. सो दिस इज़ अनदर पिन पॉइंट. यहाँ से हमें जो है राइट जाना है, इस तरफ जाना है, और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ से सीधा चलो उधर ही चलते हैं. हमारे इस जगह के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूँगा आपको रास्ते में चलते चलते. तो यहाँ होता क्या है, यहाँ पे जो है घड़ियालों का संरक्षण होता है. यहाँ से जो है ना जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं क्रोकोडाइल की, उसको भी जो है संरक्षित करके रखा जाता है. सो काफ़ी बड़ा जो है जंगल है, पूरा वन विभाग के अंडर आता है. काफ़ी अच्छी जगह है. दिस प्लेस इज़ नोन एज कुकरेल पिकनिक स्पॉट, जैसा मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बता दिया था. तो अगर आप लखनऊ से, तो दिस इज़ द वन ऑफ द स्पॉट आप जहाँ पर अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ इंजॉय कर सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो. सो दिस इज़ द ऑडिटोरियम. यहाँ पे अंदर जो है एक ऑडिटोरियम बना हुआ है. यहाँ पे गार्डन भी है बच्चों के लिए, आप चाहो तो खेलने मिलने के लिए. अगर आपके साथ बच्चे हैं, अगर फैमिली के साथ हो, इफ़ यू हैव किड्स यू कैन एंजॉय दिस प्लेस. नाइस प्लेस. सी दिस होल ऑफ द प्लेस इज़ अ फॉरेस्ट, इज़ अ रिजर्व. यहाँ पे जो है रिजर्व है घड़ियालों का, तो बहुत ज़्यादा हरियाली है. यू कैन क्लिक नाइस नाइस पिक्चर्स ओवर हियर. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आपकी स्क्रीन पर इधर कहीं पॉप कर रहा होगा, सो आप फॉलो भी कर सकते हो. काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स आपको यहाँ की इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगी. सो या लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस विद वन ऑफ माय फेलो, ही इज पुनीत करकी. इनका भी एक चैनल है यूट्यूब का, इज आल्सो अ ट्रैवल ब्लॉगर. यस, सो आप वहाँ जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, जाइए पुनीत करकी नाम से यूट्यूब चैनल. डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, आप चेकआउट कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग देहरादून की तरफ की इन्होंने वीडियो डाली हुई है, उत्तराखंड में. सो प्लीज़ चेकआउट द वीडियोज. तो यहाँ पे जो है प्राइस लिस्ट लिखी हुई है कि साइकिल अगर आप ले जाते हो तो 5 रुपये लगेंगे, मोटरसाइकिल के 10 रुपये, कार के 25 रुपीज़, अगर आप बस लेके आते हो तो 100 रुपये लगेंगे. आदमी का कोई किराया नहीं है, सिर्फ वाहनों का किराया यहाँ लगता है. बाइक में ना एक बाइक में सांप चला गया अंदर इधर से, सो जो भैया लोग हैं यहाँ निकाल रहे हैं. आपने देखा कैसे फिर ये सांप, ये उधर जंगल की तरफ से आ रहा है, अंदर गाड़ी के चढ़ते चला गया, इसको कोशिश की जा रही थी, तो ये बाइक में चला गया. ऐसे तो निकाल रहे हैं फिर. सो यहाँ पे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लिखी है, अगर आप अंदर जाते हो तो आपको इनको फॉलो करना चाहिए. सो प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन इफ़ यू आर हेयर इन पिकनिक स्पॉट. और यहाँ पे अंदर एंटर करते एक और साइड में पार्क दिखता है इस तरफ, दिस इज़ माई राइट साइड. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है. अभी आपने देखा एक गाड़ी में जो एक बाइक में एक्चुअली सांप फंस गया था, लोग निकाल रहे थे उसको. सो या अगर आप यहाँ आते हो तो थोड़ा सा जानवरों का ध्यान रखें, ऐसे सांप वगैरह यहाँ पे कुछ निकल सकता है, तो बी सेफ बी अलर्ट. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ कैंटीन, वन इन दिस साइड एक्चुअली दिस वन एंड वन इन दैट साइड एज वेल दिस वन, बट क्लोज्ड है. गूगल मैप पे भी मैंने देखा था यहाँ पे कैंटीन का लिखा हुआ, पर नहीं है. सो हाँ एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपने साथ एक बॉटल ज़रूर कैरी करें. अंदर जो है ना यहाँ पे कुछ अंदर खाना बनाना मना है, वहाँ बोर्ड पे अगर आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा हो तो उस पर लिखा था खाना बनाना मना है. बाहर से आप कुछ ला सकते हो बैठ के, बिकॉज दिस इज़ अ पिकनिक स्पॉट, तो आप फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ इन्जॉय करोगी. सो आई रिकमेंड दैट यू मस्ट कम हियर वंस.
हाँ आप जरूर आएँ और अपना खाना वाना घर से लेके आए, पानी तो जरूर जरूर लेके आए क्योंकि पानी के लिए वैसे आए हैं, पर शायद आगे ना मिले। तो जैसे जैसे आप जो है इस जगह के अंदर आते जाओगे फॉरेस्ट में, तो आपको काफ़ी सारे पेड़ पौधे देखने लगे। आप बैम्बू के देख रहे हो, ये बैम्बू लगा हुए, तो बांस लगा हुआ है काफ़ी सारा उस तरफ भी, और वाटर सोर्स भी दिखेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो है घड़ियाल का रिजर्व है, तो यहाँ पे जो है ना घड़ियाल भी देखने को आपको अंदर की तरफ जो है अभी मिलेंगे। तो हम बिल्कुल अब मेन गेट पर आ चुके हैं, जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये जो स्टैचूज बने हुए हैं ऐसे कुछ, और ये जो प्लेस है बिल्कुल। चलो हम चलते हैं सीधा अंदर। तो आप जब एंटर करते हो तो आपसे यहाँ पे जो है एक एंट्री के लिए डिटेल्स वगैरह लिख ली जाएंगी, अगर बहुत सारे लोग हैं तो आप एक लोग की एंट्री दे दीजिए, बाकी आप उनका प्लस करके नंबर्स लिख दीजिए, और एक आपको ब्रोशर भी ले सकते हो, दिस इज़ फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एंट्री टिकट, नो टिकट, नो प्राइस फॉर द ब्रोशर एज वेल। और हमको जो देखने को मिलता है, पहले मिलते हैं छोटे छोटे घड़ियाल। सी इसमें ऐसा नहीं लग रहा होगा छोटे, पर ये छोटे हैं बच्चे, क्योंकि बहुत लंबे हो सकते हैं, ये 25 फुट तक हो सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत क्लोज व्यू देता हूँ। तो देखो ऐसा है, छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, पास जूम कर दूं क्या, आंखें देखो वाइट हो गई भाई साहब, नाक बंद कर रखी है अपनी, खोल ली, देखा, हैव यू सीन द मोमेंट, कैप्चर हो गया। ओए कुछ एक के ऊपर एक भी बैठे हैं यहाँ, छोटे वाले हैं, और एक पानी में तैर भी रहा है, ये रहा अंदर, अगर आपको देख पा रहा होगा, यस यू कैन सी नाउ। तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, क्योंकि घड़ियाल का संरक्षण केंद्र है, तो इनको पाला जाता है बिल्कुल छोटे जब ये होते हैं, छिपकली के साइज से लेके इस साइज तक। टू माई लवली पीपल हु हेट छिपकली, आई मस्ट से यू शुड विजिट एट दिस प्लेस वंस। हाँ अच्छा प्लेस है एक्चुअली, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला है, और अगर आप जानवरों के प्रेमी हो, अगर आप देखना चाहते हो तो आप आ सकते हो। छोटे हैं पर ये खतरनाक है, थोड़ा सा दूर ही रहना, वैसे तो सेफ्टी केज यहाँ पे लगा भी हुआ है सबके लिए। तो देखा आप लोगों के इतने सारे घड़ियाल हैं छोटे छोटे, बड़े वाले भी यहाँ पे हैं जो कि दूसरे प्लेस पे, क्योंकि ये छोटे छोटे उनके लिए है पॉन्ड, तो बहुत सारे हैं भाई साहब, बहुत सारे, बहुत क्लोज से मैं देख रहा हूँ पहली बार। इफ़ यू हैव नॉट सीन माय वीडियो ऑफ द गुजरात सीरीज, यू कैन वॉच आउट द वीडियो, आई विल ड्रॉप द लिंक इन द आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन एज वेल। यार सम पीपल विद मी, क्या नाम है भाई? कपिल तोमर। कहाँ से आए हो भाई? भाई मैं गोंडा से हूँ। गोंडा से इतना जी सर। अरे तो मैं इतना ही सो काफ़ी सारे लोग हैं, सो ही इज़ वन ऑफ माय सब्सक्राइबर नाउ, मस्ट सब्सक्राइब हिम, गिव मी अ मिनट प्लीज़। सो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच टू द टीम। गोंडा से आए काफ़ी सारे लोग, एक बार नाम बता दो दोबारा से। मेरा नाम कपिल तोमर है। कपिल तोमर है, मैं डिस्ट्रिक्ट गोंडा से सर बिलोंग करता हूँ। हाँ भाई सकीमपुर से। सकीमपुर। मेरा नाम जीत बाबू है, मैं ईटानगर से। राम जी यादव, मेरा अखिलेश कुमार है। एक बार सो काफ़ी सारे लोग लखीमपुर से, बहुत रिश्तेदारी लखीमपुर में यार अपनी बहुत। सो अच्छा लगा मिलके भाई, चीयर्स। सी लुक एट दिस, दीज आर जस्ट ट्वाइस, नहीं एक्चुअली दे आर थ्राइस द साइज ऑफ अ लिजर्ड। हाँ ऐसी कुछ नहीं, ये बाड़ा नंबर है, दिस इज द बाड़ा नंबर, मतलब कि इसमें जो है केज में, पर ये लोग छोटे हैं इससे, छोटे फिर शायद उधर होंगे, मतलब ऐसा रखा है कि एक अंडे में से जो निकल गया था वो फिर सेम ना, ऐसे ही कुछ ना बुनी प्रोसेस दिखाया गया पूरा अंडे से क्या। सो एक्चुअली दिस इज लाइक दिस, कि छोटे वाले यहाँ रखे हैं, फिर उससे थोड़े से बड़े उधर, फिर से उधर, फिर सबसे बड़े उधर। सो बहुत इंटरेस्टिंग जो है इनका सेग्रेशन कर रखा है, सेपरेट कर रखे हैं। छोटे वाले यहाँ पे देखो सबसे छोटे हैं, तीन गुना ही होंगे एक जो छिपकली होती है उससे, पर हाँ काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। कोई मुझसे कहेगा यार आर यू मैड, दे आर क्वाइट क्यूट है एक्चुअली, आई मस्ट से। सी दे आर स्विमिंग, और ये उस तरफ क्यों जा रहे हैं, सारे के सारे उस तरफ क्यों जा रहे हैं, शायद इनको खाना डालने का टाइम आ गया। हाँ सी ये भैया जो खोल रहे हैं तो शायद खाना देंगे उनको, क्या भैया कुछ दाना डालने आ रहे हो? नहीं। अच्छा सो एक तरफ आने लग रहे हैं ये, क्योंकि इनको लग रहा होगा शायद कि कुछ हमें खाने को मिलने वाला है। एक्चुअली यहाँ पे है ना, डाल देते हैं उनके लिए कुछ इधर से, ये लोग जो है भाई एक गया अंदर, ये जो एक गेट है हम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते एक्चुअली, हैचिंग पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉन्ड लिखा हुआ है सॉरी। सो हैचिंग होती है यहाँ पे अंडों की, और ये जाने के लिए एक रास्ता है वहाँ से, और फिर आप जो है सबको
खाना दे सकते हो. इज रिटन ऑल्सो ओवर हेयर दिस इज़ द हैचिंग पॉन्ड. सो दिस प्लेस इज हैचिंग पॉन्ड जहाँ पे अंडों को हैच वगैरह किया जाता है और यहाँ पे जो उनको अलग अलग सेपरेट करके रखा जाता है. तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार. दिस इज स्टैचू ऑफ अ बिग घड़ियाल. घड़ी देखो एक बड़ा वाला मगरमच्छ भी यहाँ पे जो है ना, घड़ियाल भी वहाँ बैठा है बिल्कुल. तो ये बहुत बड़े वाले जो है उनको यहाँ इस पॉन्ड में छोड़ देते होंगे. ये एक्चुअली ये एक बड़ा स्पेस है क्योंकि वहाँ पे जो है छोटे छोटे रखे थे बाड़े में, छोटे छोटे जो केजेस हैं. और ये वाला बड़ा है, काफ़ी बड़ा है वो, अराउंड 15 feet 15-16 feet. दिस इज़ ए इंटरेस्टिंग प्लेस क्योंकि काफ़ी आपको पास से देखने को मिलते हैं जो है नेचुरल हैबिटेट में जानवर उनके, क्योंकि वहाँ पे तो छोटे वाले थे पर यहाँ पे जो है ना देखो ये केज है. सो हाँ काफ़ी सारी जो है चीज़ें मिलती हैं. अब यहाँ पे हम एक जगह आ चुके हैं, वन्य जीव संग्रहालय ऐसा कुछ है. बीच में घड़ियाल है, ये सारे कछुए हैं अलग अलग जो है प्रजाति के. और पीछे भी काफ़ी शेर है, बाघ है, तेंदुआ है. और दिखाता हूँ मैं आपको बहुत क्लोज से. तो डॉल्फिन का जो है ना स्केलेटन है यहाँ, खोपड़ी व चोंच. तो ये जो है आगे उसका है ना, ये उसकी जो है सिर का स्केलेटन का पार्ट है. सांप रखे हैं यहाँ पे देखो काफ़ी सारे, और बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ स्नेक यहाँ हैं जो कि यहाँ पे आपने अभी तक देख लिया होगा वीडियो में. ऊद बिलाऊ भी आपको यहाँ देखने को मिलता है क्योंकि बहुत बड़ी जगह है ये. सैट जो है टर्टल के टाइप्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश में मिलते हैं. तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो. क्रोकोडाइल टनल देखो, दिखाता हूँ कुछ ऐसा कि ये जो है एक टनल जैसा, मतलब एक बना रखा है छोटा सा. और ये मैं बाहर निकल आया, ये दिख रहा है ना ऐसा कुछ है पीछे, ऐसा कुछ है. सो आई थिंक दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. होप करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना. मिलता हूँ आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एक और वीडियो में लखनऊ सीरीज़ की, या फिर कहीं और भी हम जा सकते हैं. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.